नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा। PQRS के कड़ी में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें PQRS का 10वां नंबर पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी के अनुसार जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं उसी तरह से चर्चा करते रहेंगे और आंसर हम लोग निकालते रहेंगे। साथ ही साथ दिए गए क्वेश्चन में उसका जो वाक्य दिया हुआ है या पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिया हुआ है उसके अर्थ को भी साथ ही साथ समझने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए ध्यान से इनको आप देखें और समझने का कोशिश करें। कहता है पहला, ऑल द साउंड रीजंस। तो रीजंस जो है यहाँ पर ये नाउन है और ये एक वाक्य का पार्ट है जिसमें साउंड जो है एडजेक्टिव है और ऑल भी एक एडजेक्टिव है। मैं ग्रामर के गहराइयों में नहीं उतर रहा हूँ, यानी साउंड्स रीजन जो है वो हम लोगों का नाउन है और नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेंटेंस बनना है तो वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है एवर गिवन फॉर कंजर्विंग। गिवन यहाँ भीतरी फॉर्म में जरूर है, लिख दिखता है, लेकिन ये वर्ब की तरह यूज नहीं किया गया है। क्योंकि वर्ब की तरह यदि यूज किया जाता तो कोई न कोई इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होता। तो ये एवर गिवन जो हमेशा दिया गया है यानी पार्टिसिपल की तरह से यूज किया गया है फॉर कंजर्विंग। अब यहां लिखता है टू द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हो गया संरक्षण, और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए यानी जंगली जीवन के संरक्षण के लिए। कहता है अदर नेचुरल रिसोर्सेस, ऑलराइट, अप्लाई। अब यहां पर अप्लाई जो है ये वर्ब का रूप दिखता है। अब ये हमारा रीजन यदि नाउन है तो अप्लाई इसके लिए लगेगा, ये समझ लीजिए पहली बात। अभी यहीं पर रुकिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब ये अप्लाई है हम लोगों का, तो इसको हम गौर से देखेंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अप्लाई टू, तो अप्लाई सो के साथ टू लगा हुआ है तो अप्लाई के साथ तो टू ही जाएगा। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी ये स्पष्ट हो गया कि आर के बाद तो क्यू ही आएगा। अब यदि हम इंटेलिजेंस लगाएं और स्मार्ट टेक्निक लगाएं तो बड़े आसानी से हम इसमें खोजें विकल्प में कि आर क्यू का पेयर कहां कहां है। तो पहले वाले में आर क्यू का पेयर है, दूसरे वाले में आर क्यू का पेयर है साथ ही साथ, तीसरा में नहीं है और चौथा में नहीं है, यानी तीसरा और चौथा खत्म हो गया। तो क्या पी पहले आएगा या पी बाद में आएगा। अब यहां पे देखते हैं टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी अप्लाई वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट आ गया। और यदि ऑब्जेक्ट के लिए कुछ हम लोग करना चाहते हैं तो फिर हमको कोई क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया एवर गिवन फॉर कंजर्विंग। फॉर लगा हुआ है और यहाँ कंजर्विंग भी लगा हुआ है। तो प्रीपोजिशन के बाद एक ग्रुप ऑफ वर्ड आता है तो अंतिम शब्द नाउन होता है और उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए। तो कंजर्विंग के साथ यदि इसको लगाते हैं कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों का नाउन हो गया, इसके लिए अदर भी एक एडजेक्टिव हो गया और कंजर्विंग पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हो गया, यानी कि पी पहले आ जाएगा तो पी क्यू आर आ जाएगा। अब यदि आप ये जानना चाहें कि एवर गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इसको यदि टर्मिनोलॉजी से यदि हम लोग देखें तो ये किसके लिए यूज किया गया है, रीजन नाउन के लिए यूज किया गया है। नाउन के विषय में बतलाया जा रहा है कि जो रीजन जो जिसे हमेशा दिया जाता है, और नाउन के लिए जो यूज किया जाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और ये सेंटेंस के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि यदि सेंटेंस के फॉर्म में हुआ होता तो इसका अपना सब्जेक्ट होता और अपना वर्ब होता। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना कोई वर्ब नहीं है या इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहा जाता है।
तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया एवर गिवन से लेकर नेचुरल रिसोर्स तक। ये थ्योरेटिकल बात समझने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ पर इसका आंसर पी आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का पी आर क्यू निकल कर चला आएगा, दैट इज नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है लाइफ इज नेवर मेंट, यानी लाइफ का कभी मतलब नहीं निकला है। अब आगे यहां पर अंतिम शब्द है टू, ध्यान में रखेंगे। आगे लिखता है कंट्री लाइक इंडिया, ऑलराइट, कंट्री हमारा नाउन है, इंडिया भी हमारा नाउन है, ये सब ध्यान में रखेंगे। अब यहां आगे कहता है बी इजी, फिर कहता है स्पेशियली यानी विशेषकर, इफ और इफ के बाद यू लगा हुआ है और यू जो है वो प्रोनाउन है, और यू यदि प्रोनाउन है और इफ के बाद आ रहा है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद सामान्यतः वर्ब आता है, तो कंट्री तो वर्ब नहीं है लेकिन लीव वर्ब है, तो यहां पर हो जाएगा इफ यू लीव इन अ लगा हुआ है तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड लगाएंगे तो अंतिम शब्द नाउन आएगा, डेवलप वर्ब होता है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या पार्टिसिपल भी आप कह सकते हैं, और इसके साथ यदि नाउन लगाएंगे तो ये हो जाएगा कंट्री, लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अब बच गया ये टू का प्रॉपर्टी, जानते हैं कि टू के साथ भीवन लगाकर इन्फिनिटिव बनाते हैं या नाउन लगा सकते हैं, तो अब हमारे पास तो कोई जगह बचा नहीं तो टू के साथ यहां पर भीवन हम लगा देंगे तो हो जाएगा टू बी इजी, यानी कि पहला सेंटेंस बी आएगा स्पेशली इफ यू लीव, यानी सी आ जाएगा। जोड़ी भी बनाकर हम देख सकते थे, सी के बाद ए का जोड़ी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी और ए का जोड़ी यहीं पर है जो हम लोगों ने निकाला था, तो इसलिए इसका आंसर बड़ा स्पष्ट रूप से बी सी ए, यानी इसका आंसर तीन नंबर निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है द गवर्नमेंट शुड, अब ये जिक्र चर्चा हम लोग करते रहते हैं अक्सर कि शुड जो है वो मॉडल वर्ब है हम लोगों का, ऑलराइट, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब या वर्ब इन प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो वर्ब ही होना चाहिए और कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि फ्रैगमेंट जल्दी होता नहीं है ये। तो प्रोवाइड हम लोगों का वर्ब है, टू और बाय इन्फिनिटिव है, फॉर हम लोगों का प्रीपोजिशन है, तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि पहला सेंटेंस जो होगा वो पी ही होगा। अब पी ही होगा तो इसका मतलब कि दो नंबर और तीन नंबर हमारा गलत उत्तर है। अब ये दो में हम लोगों को च्वाइस करना है, तब इसका अंतिम शब्द में आते हैं प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, ऑलराइट। अब यदि हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोवाइड समथिंग फॉर समवन का प्रयोग किया जाता है ग्रामेटिकली, अगर ग्रामेटिकल आप देखेंगे तो आप इस तरह से प्रयोग करते हैं प्रोवाइड समथिंग STHG यानी समथिंग, प्रोवाइड समथिंग फॉर समवन, ये प्रयोग किया जाता है अगर इसकी जानकारी है हम लोगों के पास, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड के लिए समथिंग हो जाएगा और फॉर जो हो जाएगा वो समथिंग फॉर, और दोज जो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है दोज, और आगे हो गया अनेबल टू बाय देयर ओन। अब दो जो पर्सन के लिए ये जो है अनेबल टू बाय देयर ओन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और दो जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है, तो फिर से यदि टर्मिनोलॉजी वाली बात करेंगे तो इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, और एबल और अनेबल के साथ टू का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग पहले ये भी डिटरमिन कर लेते कि आर के बाद क्यू हो फॉर दोज अनेबल टू बाय देयर ओन, यानी कि प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दोज अनेबल टू बाय देयर ओन पी आर क्यू, तो आर के बाद क्यू होगा, तो ये अगर हम लोग चेक कर लेते कि आर के बाद क्यू होगा यानी इसका आंसर चार नंबर निकल कर आएगा, तो वहां से भी हो सकता था यदि हम लोग पेयर डिटरमिन पहले कर लेते तो भी ये आंसर बड़े आराम से हम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर चार पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर चार कहता है आई लर्नड ही हैड। अब यहां हैड है, हैड टू हैव ग्रुप का एक सदस्य है, और हैज हैव हैड का प्रॉपर्टी होता है कि इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। अब चूंकि यहां सब्जेक्ट है, यहां हैड है, तो एक संभावना बनती है कि वर्ब का तीसरा रूप हो, या दूसरा संभावना ये बनती है कि इसके साथ नाउन लगे तो ये पोजिशन बतलाएगा। तो हम लोग देखते हैं। अब यहां पहला वर्ड जो है वो स्पोक, हम लोग जानते हैं कि स्पोक जो है वो स्पीक का वी टू है, और हैड के साथ स्पोक लगता नहीं है तो ये संभावना खत्म हो गई। यहां पर कहता है नेवर बीन, बीन वी थ्री है, और ही हैड नेवर बीन टू इंडिया, बड़े मजे में लिख सकते हैं, यानी इंडिया में कभी नहीं रहा था या आया था, ये अर्थ निकल रहा है। और तीसरा में है सिनेमा, ही हैड सिनेमा, उसके पास सिनेमा होता, ठीक है ना, तो ये तर्क संगत नहीं है। तो कहने का मतलब कि हैड के प्रॉपर्टी से ये निश्चित हो गया कि पहला जो है वो बी होगा। और इत्तफाक देखिए कि अपने ऑप्शन में जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, बी ए सी, तो इसका आंसर अनडाउटली यही होगा, कहीं और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक कंजंक्शन है, और इसके बाद फिर से एक सब्जेक्ट आ गया है, तो सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब होता है, सिनेमा जो नाउन है, प्रोनाउन और नाउन इकट्ठे आ नहीं सकते। तो वर्ब जो है हम लोगों का वो है स्पोक, ये वर्ब हो गया, ही स्पोक, यानी बी के बाद ए आ जाएगा, और यहां हो गया योगा, स्लम्स नाउन हो गया, एंड, और एंड से जुड़ा हुआ है तो सिनेमा, ये भी नाउन है, तो अनडाउटली इसका आंसर दो निकलकर चला आता है, तो बड़ा क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर पांच पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है अटेम्प्ट्स इन इंडिया, वाक्य की शुरुआत हो रही है, अटेम्प्ट्स जो है वो नाउन है, इन इंडिया, ऑलराइट, तो ये सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और चूंकि इन लगा हुआ है तो अटेम्प्ट्स हम लोगों का सब्जेक्ट होगा, तो अटेम्प्ट्स प्लूरल इन नंबर है, तो बाकी के वाक्यांश में कहीं संभावना ये बनती है कि एक वर्ब होना चाहिए जो प्लूरल इन नंबर होना चाहिए। अब कहता ऑनेस्टी एंड मोर ब्लाइंड फेथ, ये नाउन हो गया, और ब्लाइंड फेथ में भी ये नाउन हो गया। कहता बाय द गवर्नमेंट टू वैलिडेट ट्रेडिशनल, इसमें भी वर्ब नहीं है। यहां पर है आर ड्रिवन बाय, ड्रिवन लेस बाय, यानी यही वर्ब लगेगा, अटेम्प्ट्स प्लूरल है तो ये वर्ब लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया और मेडिसिन, इंडिया भी नाउन है और मेडिसिन भी नाउन है, तो दो नाउन का प्रयोग तो इस तरह से हम कर नहीं सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो पहला नाउन एडजेक्टिव के रूप में होना चाहिए या पॉजिटिव केस में होना चाहिए, तो इंडिया का यदि बाय द वे इंडियन मेडिसिन होता तो हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसके बाद ये डायरेक्टली लगेगा नहीं, तो ये इंडिकेट करता है कि इसके बीच में कोई और एक सेंटेंस होना चाहिए। अब ये मेडिसिन नाउन है, जरा गौर करते हैं, ट्रिक से चलते हैं, और इसका अंतिम शब्द फेथ जो है वो भी एक नाउन है, तो ये दो नाउन फेथ और मेडिसिन, दो नॉन लिविंग थिंग एक साथ आ नहीं सकता है, यानी पी और आर का कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। क्यू में अंतिम शब्द जो है वो है ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल के अंत में एल लगा हुआ है, यानी ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यू के बाद आर होना चाहिए। अब यदि टेक्निक हम लोग लगाए तो क्यू और आर का कॉम्बिनेशन जरा खोजते हैं कि विकल्प में क्यू और आर का कॉम्बिनेशन कहाँ है, तो यहाँ पर क्यू पी आर है, ये नहीं हो सकता है, यहां पर आर पी क्यू है, ये भी नहीं हो सकता है, क्यू आर का कॉम्बिनेशन यही है, और बाई लगा हुआ है तो बाई के बाद, यानी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, तो ऑनेस्टी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये नाउन है और ऑनेस्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि आर के बाद पी आएगा, और हम लोगों का आंसर नंबर थ्री
अनडाउटली हो जाएगा, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स।